अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर सादिया शेख। आज का वीडियो स्पेशली लेजी खवातीन के लिए है, सुस्त खवातीन के लिए है। कुछ तो मिजाजन सुस्त होती हैं और कुछ किसी रीज़न की वजह से हो जाती हैं, कुछ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है मौसम की वजह से, उस वजह से सुस्त हो जाती हैं, और कुछ मेडिकल इश्यूज़ भी होते हैं उनकी वजह से भी सुस्ती हो रही होती है। आपकी नींद भी पूरी होने के बावजूद भी आप सोए सोए जा रहे होते हैं, वो मैं आपको लेटर ऑन बताऊँगी कि वो क्या रीज़न्स हो सकते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऐसे ही होता है कि आप मिजाजन ही सुस्त हो रहे होते हैं और आपका बिल्कुल दिल नहीं चाहता ना आप क्यों एक्सरसाइज क्यों करनी है, क्यों डाइट करनी है। मैं भी जब से हद से आई थी तो मैं इतनी ज़्यादा लेजी हुई हुई थी और दावतें भी चल रही थी और एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि यार ये तो सादिया, ये तो बहुत बैड सीन हो रहा है और इस तरह से तो वेट गेन हो जाएगा, एक्सरसाइज भी नहीं हो रही है और दावतें भी चल रही हैं। लेकिन डाइट पे तो मैंने ज़रा थोड़ा सा ख्याल किया हुआ था कि दावत पे मैं चली जाती थी तो फिर मैं इंटरमीडियंट फास्टिंग कर ली थी मैंने, तो वो उस तरह से बैलेंस हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि मैं जो रूटीन मैंने फॉलो किया वो मैं आपके साथ फॉलो करती हूँ और फिर मेरी सुस्ती बिल्कुल ख़त्म हो गई। और मैं और आप जब ये फॉलो करेंगे सारी चीज़ें तो आपकी भी सुस्ती हो जाएगी 9-2-11 और आप मुझे बहुत ज़्यादा दुआएं देंगे और आप देखिएगा कि 10 डेज़ के बाद ही आप बहुत ही एक्टिव, हैप्पी और यंग फील करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब कभी भी आपने बेड पर से उठना है ना, तो आप क्या करें कि एकदम से जंप लगा कर नहीं उठना चाहिए। आप जब कभी भी बेड पर से उठें तो आप करवट लेके थोड़ा सा टर्न होके थोड़ा सा बैठे रहें फ्यू सेकंड्स, उसके बाद आप उठें। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप अचानक से उठते हैं और आपके जो है वो आँखों के आगे अंधेरा सा छा जाता है और आप गिरने वाले हो जाते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप ज़रा थोड़ा सा उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए आप थोड़ा सा स्टेबल हो जाएं, उसके बाद आपको बेड से उठना चाहिए। अच्छा जी, उसमें यह है कि ये खाली पेट आपने करना है। जब आप उठ जाएं, वॉशरूम से फ्रेश होकर आ जाएं, वहीं बेड पे बैठी हुई हैं, तो आपने क्या करना है, पहले तो मैं आपको अपर बॉडी की कुछ एक्सरसाइजेज बताऊँगी, वो आपने करनी है, आप मेरे साथ ही कीजिएगा, ठीक है। जैसे मैंने 6 मॉर्निंग हैबिट्स में बताया था कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है और उसके बाद फिर आपने फ्यू एक्सरसाइज करनी है अपर बॉडी की, और उसके बाद फिर मैं आपको लोअर लिम की, लोअर बॉडी की भी एक्सरसाइजेस कुछ बताऊंगी जो आप एक ही जगह पे खड़े होकर आराम से कर सकती हैं, ठीक है। अच्छा जी, लेटर ऑन मैं डाइट प्लान भी बताऊंगी जो आपको फॉलो करना होगा, जो कि बहुत ही इजी है और बहुत ही सस्ता डाइट प्लान है, पूरे इंटरनेट पे आपको नहीं मिलेगा। स्टार्ट करते हैं अपर बॉडी की एक्सरसाइजेस, और पहले तो आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर ली, ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को बताई थी। उसके बाद आप मेरे साथ साथ कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा आप वार्म अप करेंगे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से, और सिर्फ 10 टाइम्स आपने करना है। सारी जो भी एक्सरसाइज होगी 10 टाइम्स करना है बस, इससे ज़्यादा नहीं करना और कोई सेट्स नहीं लगाने, बस 10 टाइम्स ही करना है और इसको डेली करना है, ओके। अच्छा जी, आपने ऐसे किया, आपने आपको वार्म अप किया इस तरह से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। उसके बाद आप इसे फॉरवर्ड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ओके। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है, ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ओके। उसके बाद आपने क्या करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, आप फील करें अपने मसल्स के स्ट्रेच हो रहे हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, रिलैक्स। क्लोज योर आइज, अपनी आँखें क्लोज कर सकते हैं आप, 9, 10, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये आप ज़रा थोड़ा सा आपको यहाँ पे पेन फील होगा, फिर आप इस तरह से इसको आप स्ट्रेच कर सकती हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, ठीक है। अच्छा जी,
उसके बाद आपने क्या करना है, आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये जो आपके चेस्ट के पेक्टोरल मसल्स हैं ये भी ट्रेन होते हैं, आपकी जो बैक है अपर बैक है उसके मसल्स भी ट्रेन होते हैं इस तरह से, ठीक है। और सिर्फ आपने 10 times ऐसे करना। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये दोनों आर्म्स जो है वो ऊपर क्रॉस ऐसे लेके जाना है और एल्बोज को ऐसे लेके जाना है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्या करना है, आप ये एल्बोज इस तरह से बॉडी के पास आप लेके आएंगी और फिर आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बस आपने ये सारी एक्सरसाइजेस करनी है और सिर्फ 10 times करनी है और इसके कोई रेपिटेशंस नहीं करने हैं, डेली आप इसको कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे, ठीक है। और बाकी अब मैं आपको लोअर बॉडी की एक्सरसाइजेस बताती हूँ। अब जैसे आप बैठी हुई हैं बेड पे, ठीक है, तो आप वहीं पे आपने क्या करना है, आपने स्क्वाट्स करने हैं। आप ऐसे बैठी हुई हैं तो आप क्या करेंगी, आप ऐसे खड़ी हो जाएं, अपनी लेग्स थोड़ी सी एक्सपैंड कर लें लाइक दिस और फिर आपने इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ठीक है। ये आपने स्क्वाट्स कर लिए और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, आपने हाई नीज करने हैं। हाई नीज में ये है कि आपको कोई जंप करने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल ऐसे जितना ऊपर ले जा सकती हैं बिल्कुल रिलैक्स होके अपने आर्म्स ऐसे रखें। 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दैट्स इट, ठीक है, जितना इजीली कर सकती हैं, जंप करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने करना है वॉक ऑन द स्पॉट और आप क्या करेंगी ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और उसके बाद, तो ये आपने डेली करना है, इसके अंदर कोई एफर्ट नहीं है। और इसके अलावा मैं डाइट प्लान बता देती हूँ और थोड़ा सा रूटीन बता देती हूँ जो कि आपको फॉलो करना है, ठीक है। अच्छा जी, डाइट प्लान में नंबर वन पे ये है कि जो आपके घर में खाना बन रहा है और जो क्वांटिटी आप लेती थी अपने खाने की उसकी क्वांटिटी आप हाफ कर देंगी और अपनी हाफ प्लेट आप सलाद से भर लेंगी, ठीक है। नंबर टू ये हो गया कि जितना भी आप पानी पीती थी, जैसे नॉर्मली 5 से 6 glass पिए जाते हैं, उस पानी की तादाद को आप डबल कर देंगी। जैसे 5 glass लेती थी तो आप 10 glass पीना शुरू कर दीजिए, कोई और काम नहीं करना है ना, पानी ही पीना है ना। अच्छा जी, उसके बाद अगर 6 glass लेती थी, 6 या 7 लेती थी तो 12 कर दें, 14 कर दें, पानी की क्वांटिटी आपने डबल करनी है, ठीक है। और नंबर थ्री ये है कि आपने हर नमाज के बाद, क्योंकि आपकी बॉडी वार्म अप हुई भी होती है, हर नमाज के बाद आपने क्या करना है, 10 minutes की आपने चहलकदमी करनी है उसी जगह पर, आप जहाँ पर आपके रूम में जो जगह है वहीं पर आपने चहलकदमी करनी है, सिर्फ 10 minutes अपना टाइमर सेट करके अपने घड़ी पर अपने मोबाइल पर बस, और इसके अलावा फिर आप अपने कामों पर लग जाएँ, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा ये है कि एक नमाज आप अपनी ऐसी फिक्स कर लीजिए जिसमें आप नमाज में वार्म अप हो जाए और उसके बाद आपने 1 minute का प्लान करना है, ठीक है। और अगर आपसे प्लैंक नहीं होता तो आप वॉल पे भी अपना जो है वो अपने वो जो पुशअप्स होते हैं, वॉल पुशअप्स होते हैं, आप वो कर सकती हैं, ठीक है। देखिए जी, एज अ बिगनर तो आपने इनको 10 times करना है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप इसका ड्यूरेशन इंक्रीज कर सकते हैं टू गेट बेटर रिजल्ट्स। और बाहर की किसी भी चीज़ का आपने इस्तेमाल नहीं करना, इस तरह से भी आपका मनी सेव हो रहा है ना, कि आपने पैकेट की कोई चीज़ नहीं लेनी, आपने बिस्किट्स, चॉकलेट्स, मफिन्स, टॉफीज, केक्स, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करें, बेकरी आइटम्स का कोई इस्तेमाल नहीं करें आप,
समोसे पकौड़े जलेबी निम्को चेवड़ा और वाइट आटे से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं नान शीरमाल कुलचे इन सब चीज़ों का जो बाहर के पराठे होते हैं उनका भी इस्तेमाल नहीं करना। घर का साफ़ सुथरा सादा खाना खाना है। आपने टेट्रा पैक की कोई चीज़ आपने इस्तेमाल नहीं करनी, इवन मिल्क और दही वो भी घर का बना हुआ हो, ठीक है, फ्रेश मिल्क होना चाहिए। और इसके अलावा घी मक्खन भी आपका होममेड होना चाहिए, ठीक है, बाहर वाला नहीं होना चाहिए और मार्जरीन तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो देखें आपका कितना मनी सेव होगा और यही पैसा आप अपनी पर्सनैलिटी पर लगाएँ, आप अपनी हेल्थ पर लगाएँ, अपने फैमिली पर लगाएँ, अपने बच्चों पर लगाएँ और इस तरह से आपकी पर्सनैलिटी भी ग्रो होगी, आपका वेट लॉस भी होगा, बहुत सारी बीमारियों से भी महफूज रहें। तो ये रूटीन आप फॉलो करें और जो डाइट मैंने आपको बताई है वो फॉलो करें। जो आपका खर्चा बचेगा, ठीक है, जो खाना आप खा रहे हैं उसका अगर आप हाफ कर देंगे और सलाद अगर आप खरीद लेंगे, सलाद में भी आपको टमाटर और बहुत महंगी चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ सलाद का पत्ता और खीरा भी उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। एक फ्रूट आपने खाना है और मेरे कहने पे आप वो फ्रूट आप गाजर खाना शुरू कर दें, आप गाजर को एज ए फ्रूट खाना शुरू कर दें। एक मीडियम साइज की गाजर आपने रोज़ खानी है, उसके अंदर विटामिन डी है, बीटा कैरोटीन होता है, वो आपकी स्किन के लिए अच्छा होता है, उसके अंदर फाइबर होता है बहुत ज़्यादा, वेट लॉस के लिए भी अच्छा है और उसमें आपका जो आपकी स्किन को भी वो बेटर करने के लिए बहुत ज़्यादा विटामिन ए है ना उसमें, बीटा कैरोटीन है, तो ये जितनी भी स्किन की जितनी क्रीम्स और मेडिसिन होती हैं वो विटामिन ए डेरिवेटिव्स ही होती हैं। तो एज ए फ्रूट आप उसको लेना शुरू कर दें। अगर बाकी सारे फ्रूट्स जो है वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते लेना तो गाजर तो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा रूटीन आप फॉलो करें और हफ्ते में दो दिन आप कोशिश करें पीर और जुमेरात का। आप सुन्नती तौर पे आप रोज़ा रखना चाहें तो रोज़ा रख लें, इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहें तो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लें। आप देखेंगे कि 10 डेज में ही आपको इतना मज़ा आना शुरू हो जाएगा क्योंकि यही सारी चीज़ें एक ही जगह पर रह के करने से आपका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। और जब आपका वज़न कम होना शुरू होगा और ये जो आप एक्सरसाइज कर रही हैं इसमें आपकी बॉडी में शेप आनी शुरू हो जाएगी और आप बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाएंगी और मुझे आप बहुत ज़्यादा दुआएं देने वाली हैं। और 10 दिन तक इसको करके फॉलो करके मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। और ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, बस ये पूरा डाइट प्लान मैंने आपको समझा दिया कि आपने किस तरह से अपने डाइट प्लान को लेके चलना है और पानी का ख्याल रखें। और जो मैंने मेटाबॉलिज्म फास्ट करने का जो वीडियो बनाया था अगर वो किसी ने नहीं देखा तो वो जाके विजिट कर लें कि आपको अपने बॉडी का मेटाबॉलिज्म कैसे फास्ट करना है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बाय बाय। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।